वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल इन दिनों कहां हैं ये किसी को नहीं पता। वे किस निजी यात्रा पर हैं ये तो पता नहीं, जहां भी हैं वहां से पर भी सरकार पर हमला करने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहे, राजनीति पूरी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस चुनावी मौसम में विदेश यात्रा पर चले गए हैं। वो पंजाब की एक रैली को रद्द कर किस निजी यात्रा पर चले गए हैं इस बारे में सब जानने के लिए काफी उत्सुक हैं। जिस वक्त कांग्रेस अपनी जमीन बचाने के लिए अनेकों प्रयास कर रही हो, तब पार्टी के नेता तो चले जाते हैं यात्रा पर और पीछे छोड़ जाते हैं प्रवक्ता जो अपने नेता की व्यक्तिगत यात्रा की सफाई देते रहते हैं। खैर, अब राहुल बाबा आखिर कहां हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन बाकी दलों में यही चर्चा है कि बीच भंवर में अपनी पार्टी की नैया को छोड़कर आखिर राहुल कौन सी व्यक्तिगत यात्रा पर चले गए। चीन के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें चीनी सैनिकों को नए साल के मौके पर गलवान घाटी में झंडा फहराते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद विपक्ष मुखर होकर सरकार पर हमला बोल रहा है। राहुल भी विदेश में बैठकर ट्वीट ट्वीट का खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। अब जिस वीडियो के बारे में राहुल बोल रहे हैं, तो क्या चीन ने सच में हिंदुस्तान की जमीन पर अपना झंडा लगाया है? सेना के सूत्रों के मुताबिक वीडियो विवादित जगह का है ही नहीं। चीन की तरफ से सोशल मीडिया पर गलवान घाटी के जिस क्षेत्र में चीनी झंडा फहराते हुए वीडियो पोस्ट किया गया है, उस इलाके को लेकर कोई विवाद नहीं है। वह इलाका तो शुरुआत से ही चीनी नियंत्रण में रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो चीन ने अपने इलाके में ही झंडा फहराया है। उसने गलवान नदी वाले उस इलाके में झंडा नहीं फहराया जहां भारत चीन सीमा विवाद चल रहा है। राहुल गांधी ने पहले भी ऐसे हमले किए, लेकिन उन्हें हर बार मुंह की ही खानी पड़ी। लगता है कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा नहीं है जिन पर वो जनता के सामने जाकर ये कह सके कि कांग्रेस को सत्ता में वापस लाएं। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।